सतगुरु गुरु अंगद साहब 1532 सन नूं करतारपुर गए। उन्हां दी उम्र 28 साल दी सी जदों 7 साल उन्हां करतारपुर सेवा कीती। गुरु अंगद साहब जी बाबा लहणा जी दे रूप च गए। उदों बाद उह खडूर साहब आ गए। याद रखियो इट्टां नाल शहर बादशाह ने वसाए ने, पर जदों गुरु शहर वसांदा है केवल इट्टां नाल नहीं, वह रूहानीयत नाल वसांदा है। खडूर पहला भी सी पर जदों सतगुरु गए तो साढ़े बाणी ने कहा फिर वसाया फेरूआन सतगुरु खडूर, जप तप संयम नाल तुद खुर मुच खरूर। खडूर साहब महाराज बैठे ने, अंतले दिनों की गल है। मैं इस स्थान नाल जोड़ के गल करनी है सिखी की है। एक आदमी आया, जिहड़े खडूर साहब गए उन्होंने पता होना है, एक पासे ब्यास निकलता है, ब्यास उहदे दूजे पासे सुल्तानपुर है। जब आप जाने सुल्तानपुर के नेड़े एक पिंड डल्ला, उत्थे गुरु अंगद साहब बैठे आ, ते डल्ले पिंड दा एक सूझवान बंदा, उन्हूं एक जिग्यासा सी सवाल पूछण दी अध्यात्मक। उहदा नाम साडे इतिहास ने लिखिया भाई पारो, पर उन्हूं नाल जुलका लिखिया भाई पारो। पता लगा भी खडूर साहब गुरु नानक साहब की जोत दे वारिस गुरु अंगद साहब जी ने। उत्थे पहुंचिया, उन्हें मत्था टेकिया, इस तरह संगत बैठी से प्रश्न करदा है, जी ये परमहंस किनू कहिंदे आ? महाराज हस पे, कहन लगे तुसी की पुछना चाहते हो? कहिंदे असीं सुणिया है एक हंस हुंदे ने, एक परमहंस हुंदे ने। चलो उत्थे महाराज ने हंस की जिहड़ी तुलना, दुध ते पाणी वक्खरा कर दिंदा, मोती चिणदा, समुंदर सागर ते तर जांदा है। कहन लगे परमहंस ओ वे जिवें ओ दुध ते पाणी नूं वाह कर लैंदा है, परमहंस ज्यौंदे जी अपनी आत्मा नूं शरीर तो वक वेखण लग पैंदा है। वह शब्द दे मोती चुंदा है, परमहंस भव सागर तर जांदा है। भाई पारो सुनी गया, महाराज ने इन्नी कृपा की क्योंकि गुरु अंगद साहब जी बारे हिस्टरी भी ते बाणी भी इस गल की गवाही देंदी है कि जदों गुरु अंगद साहब सवेरे उठते सन ना जी, दरवाज़ा खुलदा सी, जिन्ने दुखी लोग सन बूहे अगे खलोते होंगे सन, जिन्हां ते दृष्टि पै जाती सी सच्ची मुचिया रोग हो जाते सन। आज सिवत सो कहो टल गुर, ये गुरु अंगद साहब की सिवत है जी। सो कहो टल गुर सेविया एने सह सुभाए, दर्शन परसियां गुरु के जन्म मरण दुख जा। एक होर होवै सिवत खसम दी, ये भी गुरु अंगद साहब की सिवत है। नूर अरसों कुरसों झटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया, जन्म जन्म की गुरमुखो। वह सुनी गया, महाराज ने अमृत दृष्टि की, सुन के कहिंदा जी इस तरह परमहंस कोई बन भी जांदा है? महाराज कहिंदे ने तुसीं आए कित्थे हो? कहिंदा जी मैं पारों आया। पारों समझ गया ना पंजाबी दा शब्द, पार वाले पास्यों, इहदा मतलब मैं दरिया के दूजे पास्यों आया, पारों आया। तो महाराज कहिंदे तेरा नाम की? कहिंदा पारो। मेरा नाम पारो है ते पारों आया, डल्ला मेरा पिंड है। तुर लग्या हजूर, कहन लगे ओ पारो जे पार होना ही तो गोइंदवाल साहब वाले नूं जरूर मिलदा रही, गोइंदवाल वाले नूं जरूर मिलदा रही। भाई पारो चले गए। गुरमुखो इहो जी धूह गुरु ने अंदरों सतगुरां ने पा दित्ती, गुरु अमरदास जी दे परम सिख बने भाई पारो। मैं बेनती कर लगा सिखी की है। भाई पारो जी बारे कहा जाता है एक घोड़ी ते सवार होकर डल्ले पिंड तो रोज़ आउंदे सन, कई सज्जन रोज़ कहिंदे आ कोई हफ्ते बाद, पर कहिंदे इन्ने कमाल दे शब्द भिज के पढ़दे सन। भाई पारो दी घोड़ी दे पिछे पंछी उड़दे हुंदे सन, उहदा औरा इन्ना जबरदस्त सी जी। एक दिन की होया ब्यास दरिया बहुत चढ़िया, भाई पारो बाणी पढ़दा रहा, उहदे किनारे दे उत्ते जलंधर दा सूबेदार अल्ला यार, उहदा अल्ला यार नां लिखिया जी, वह बैठा फौजां उहदियां ने, दरिया उतरेगा तो पार करांगा फौजां नूं। भाई पारो ने कुछ नहीं देखिया, ऐ दरिया छूकदा
उन्हें अपनी घोड़ी विच पा दी, घोड़ी चीर के दरिया नूं पार हो गई। गोइंदवाल साहब गए, सतगुरां दी सेवा कीती, सूरज अस्त होण तों पहलां घोड़ी ते फिर दरिया उसे तरी चढ़िया, चीर के उरले पासे आ गए। उस मुसलमान ने कहा भी तू कौन कह? कहिंदा मैं गुरु नानक साहब दा सिख हाँ। कहिंदा भी तू आ सवेरे देखिया तुहानूं, तुसीं दरिया पार कर गए, तुहानूं डर नहीं लगा पानी रोड़ के लै जाएगा? आउंदी वारी फिर कहन लगे मैनूं दरिया दिसदे नहीं, जिहदे शब्द नाल मैं जुड़िया उह भव सागर पार कर दिंदा, ब्यास की है वह भव सागर पार कर दे। अल्लाह यार खां कहिंदा फिर मैनूं उस पीर तक लै जाएगा, उस गुरु तक लै जाएगा। वाहगुरु भाई पारो नूं कहिंदा वह अल्लाह यार, कहन लगे बैठ मेरे पिछे। वह प्यारे घोड़ी ते बिठा के दरिया चीर के भाई साहब गुरु अमरदास के चरणा च लै गए। याद रखियो उस मुसलमान अल्लाह यार ते गुरु अमरदास की इन्नी मेहर होई, जदों महाराज ने 22 मंजियां दित्तियां, एक मंजी अल्लाह यार नूं दित्ती सी। जिहड़ियां 22 मंजियां ना गुरु साहिब दियां, विच एक मंजी भाई अल्लाह यार दी। एक गल होर, हुण आपां कहिंदे बंदी छोड़ गुरु जी आए ते दिवाली तां मनाने, नहीं गुरमुखो याद रखियो दिवाली का मेला भाई पारो ने शुरू किया सी। हिस्टरी कहिंदी है भाई पारो ने दिवाली ते वैसाखी का मेला शुरू किया सी, क्योंकि पंजाब विच वैसाखी नूं अजे कणक नहीं वढ़ी जाती सी उदों, ते दिवाली दे नेड़े अजे झोना नहीं सी कट्टिया जाता, यह संगतां कट्ठियां हुंदियां सन। भाई पारो इन्ने क जुड़े आ कि जिथों लंघदे सन कहिंदे उह मिलण वाला सिख बन जाता सी। तुसीं हिसाब ला लो, सूबेदार की अपनी ईगो भी हुंदी। मैं बेनती कर लगा, इन्नी बंदगी कर लग पै। एक दिन धन गुरु अमरदास इकट्ठ बड़ा सी, भाई पारो नूं आवाज़ दित्ती, भाई पारो जी सतगुरु। कहन लगे तुसी मेरा रूप हो चुके हो, तुसी मेरा स्वरूप हो चुके हो। महाराज शब्द कह रहे ने, भाई पारो जी इस तरह खलोते आ नीवी पा के, हाथ जुड़े आ। कहिंदे तुहाडे वर्गा सियाणा, तुहाडे वर्गा आत्मरसिया, बहुत उच्ची अवस्था तुसी पहुँच गए हो, परम अवस्था। कहिंदे अज साडा दिल करदा जी सतगुरु। कहन लगे साडा चित करदा तुहानूं गुरियाई दे दईए, फिर सुनियो तुहानूं गुरता गद्दी ते बिठा दईए। इन्ने शब्द सुन दी देर सी, भाई पारो ने इक्को दम अपने खत खोले ते सच्ची मुची तरां तरां करदा गुरु अमरदास दे चरण पकड़ के कहिंदा सतगुरु जे तुठे हो मैनू गद्दी नहीं चाहीदी, मैनू तुहाडी गोदी चाहीदी है। गद्दी नहीं मैनू, गुरियाई नहीं। फिर उच्ची सारी आवाज़ दे के कहन लगे, चरण पकड़े ने ते नीवा सिर नीवा करके बोल रहे ने, सतगुरु मैनू गुरसिखी दिओ, गुरसिखी दिओ, मैनू सिख बना लो। महाराज सिर ते हाथ रख के कहिंदे पारो तैनू सिखी दी दात बख्शी। याद रखियो उसे भाई पारो दे घर विच्चों भाई नारायण दास होए आ, जिन्हां दी बेटी माता दमोदरी दा रिश्ता गुरु हरगोबिंद साहिब नाल होया, उसे भाई पारो दी कुल विच्चों प्यारे भाई दया सिंह होए आ। ये परिवार लाहौर चला गया सी। महाराज जी ने कहा तैनू सिखी दित्ती। देखो तीसरे पातशाह ने प्रिंसीपल सतबीर सिंह ये लिखते हैं कि भाई पारो का परिवार कुछ लाहौर गया, महाराज जी ने क्या सी अमरदास सतगुरां तेनू सिखी दित्ती, उसे कुल विचों प्यारे भाई दया सिंह हो। गुरमुखो सिखी बड़ी वड्डी दात जी, जो भाई पारो ने कहा वो साडे इतिहास में लिखे है। महाराज बोल के कहिंदे आ भाई पारो ने, परमहंस मोरो ही रूप, शब्द बड़े सौखे ने, ब्रिज भाषा हिंदी जी हिंदवी, परमहंस मोरो ही रूप, परम सियान महा अनूप, बख्शत हूँ मैं जग गुरियाई। गुरु अमरदास कह रहे हैं बख्शत हूँ मैं जग गुरियाई, करो उधार लोक समुदाई। कहने कर जोरे पारो पग परियो, त्राए त्राए कर बचन उचरियो, प्रभ जी गुरसिखी मुझ भावै, गुरियाई सतगुरें सुहावै। अगे कहने मुझ पर कृपा दृष्ट को धरिए, गुरसिखी पद बख्शन करिए, मेरे ते मेहर करो
ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ,